जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफेद संगमरमर से बना ये महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा सराहा जाने वाला अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहलाया गया। इस अति उत्तम कृति के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाने के बाद अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए, ताकि कोई और दूसरा इस ताजमहल जैसी कोई इमारत न बना पाए। ताजमहल के बारे में सभी जानकारी जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। ताजमहल नाम फारसी भाषा से लिया गया है, जिसमें ताज का मतलब मुकुट है और महल का मतलब राजा का घर होता है, यानी ताजमहल का मतलब हुआ मुकुट का महल। संगमरमर के इस अद्भुत महल के निर्माण का श्रेय मुगल शासक शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में इस मकबरे को बनवाया था। मुमताज महल की मृत्यु सन 1630 में हुई थी। उन्होंने शाहजहां से अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाया जाए जिसे दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। इसीलिए बादशाह शाहजहां ने परी लोग जैसी कहानियों में बताए गए संगमरमर के इस भवन का निर्माण कराने का निर्णय लिया। ताजमहल बनाने का कार्य सन 1631 से शुरू हुआ और 22 वर्ष बाद सन 1653 में निर्माण कार्य पूरा हुआ। ताजमहल का कुल क्षेत्रफल 42 एकड़ है। ताजमहल के डिजाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। अमानत खान शिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था। उसका नाम ताज के द्वार में से एक में अंत में तराश कर लिखा गया है। ताजमहल बनाने के लिए लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया। इन मजदूरों के वंशज अभी भी ताजमहल के दक्षिण दरवाजे की तरफ रहते हैं। इस जगह को अब ताजगंज कहते हैं। मोहम्मद हनीफ मिस्त्रियों का अधीक्षक था। ताजमहल के परिसर में प्रवेश करने के 3 दरवाजे हैं। पश्चिमी दरवाजे से बादशाह शाहजहां प्रवेश करते थे, पूर्वी दरवाजे से शाही परिवार या मेहमान प्रवेश करते थे, तथा दक्षिणी दरवाजा मजदूरों के प्रवेश के लिए था। इन तीनों दरवाजों से जुड़े हुए कुल 210 कमरे हैं। ताजमहल निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों व कारीगरों के आराम करने के लिए ये बनवाए गए थे। इन तीनों दरवाजों से जुड़ा हुआ चौड़ा रास्ता उत्तरी मुख्य दरवाजे के लिए जाता है। मुख्य द्वार लाल सैंडस्टोन से बनाया हुआ है। यह द्वार 151 फीट लंबा है और 117 फीट चौड़ा है, तथा इसकी ऊंचाई 100 फीट है। इस पर अरबी लिपि में कुरान की आयतें तराशी गई हैं। इसके ऊपर 22 छोटे गुंबद के आकार का मंडप हिंदू शैली का है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। इस प्रवेश द्वार की मुख्य विशेषता यह है कि अक्षर लेखन यहाँ से समान आकार का प्रतीत होता है। इसे तराशने वाले ने इतनी कुशलता से तराशा है कि बड़े और लंबे अक्षर एक आकार का होने जैसा भ्रम उत्पन्न करते हैं। मुख्य द्वार से ही ताजमहल की संगमरमरी इमारत दिखाई देने लगती है, लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये इमारत दूर जाती हुई प्रतीत होती है। इसे नजरों का धोखा कहते हैं। यह इसकी अनूठी निर्माण शैली की वजह से होता है। अंदर प्रवेश करते ही 16 बाग हैं, जो ब्रिटिश कालीन हैं। सामने की ओर 53 फव्वारे लगे हैं। ये फव्वारे मुगल कालीन हैं। पहले इनको यमुना नदी से जोड़ा गया था और शारीरिक परिश्रम से पानी का दबाव बनाया जाता था। मध्य में एक संगमरमर का चबूतरा है। कहते हैं शाहजहां यहीं बैठकर ताजमहल का निर्माण कार्य देखते थे। अभी ये सैलानियों के ताजमहल के सामने बैठकर फोटो निकलवाने की उत्तम जगह है। इसी चबूतरे के दोनों ओर 2 मुगल कालीन भवन हैं। शाहजहां के समय इन दोनों भवनों में ढोल व नगाड़े बजाए जाते थे, लेकिन अब बाईं ओर वाले भवन में ताज संग्रहालय है। इस संग्रहालय में ताजमहल के मूल चित्रों व वास्तुकला को अधिक जाना जा सकता है। ताजमहल की संगमरमरी इमारत 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाकार चबूतरे पर बनी है। इसका कुल क्षेत्रफल 313 स्क्वायर फीट है। इसके चारों ओर 4 मीनारें बनी हैं, जो 186 फीट ऊंची हैं। ये मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई हैं।
जिससे कभी भूकंप आने पर ये मीनारें गुंबद पर नहीं गिरेंगी। इसके मुख्य गुंबद की ऊंचाई 187 फीट है। इस इमारत के मुख्य गुंबद में शाहजहां व मुमताज की कब्र है। असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं। उनके ऊपर प्रतीकात्मक कब्रें बनाई हुई हैं। कब्रों के चारों ओर संगमरमर की जालियां बनी हैं। दोनों कब्रें अर्ध मूल्यवान रत्नों से सजाई गई हैं। इमारत के अंदर ध्वनि का नियंत्रण अत्यंत उत्तम है। अन्य गुंबदों में शाहजहां की अन्य बेगमों व परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। गयासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर इबारतें लिखी हैं, जबकि इस्माइल खान अफरीदी ने टर्की से आकर इसके गुंबद का निर्माण किया। इस चबूतरे से आप यमुना नदी का सुंदर नजारा देख सकते हैं। ये इमारत ईरानी, मुगल व भारतीय शैली से मिलकर बनी है। इसका लाल सैंडस्टोन फतेहपुर सीकरी, पंजाब से जस्पेर, चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से टर्कोइश यानी नीला पत्थर, श्रीलंका से लेपिस लजूली और सेफायर, अरब से कोयला और कॉर्नेलियन तथा पन्ना से हीरे लाए गए। कुल मिलाकर 28 प्रकार के दुर्लभ, मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान पत्थर ताजमहल की नक्काशी में उपयोग किए गए थे। मुख्य भवन सामग्री सफेद संगमरमर, जिला नागौर, राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इस इमारत के पश्चिम में कौबान नाम की मस्जिद है। यह लाल बलुआ पत्थर से बनी है और इसका सामने का हिस्सा मक्का की दिशा में है। इसमें एक बड़ा दरवाजा बना है जिसे ईवान कहा जाता है और इसके दोनों तरफ दो छोटे मेहराब बने हैं। प्रत्येक शुक्रवार को 2 घंटे के लिए यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। इस दिन ताजमहल सैलानियों के लिए बंद रहता है। इसके पूर्व में मेहमान खाना या जबाव है, जो शाहजहां के समय मेहमानों के लिए बनाया गया था। इसके दरवाजे से ताजमहल के सामने का हिस्सा देखा जा सकता है। यहाँ से ताज और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। यहाँ एक सुरंग का निर्माण भी करवाया गया था, जो आगरा के लाल किले तक जाती थी। अब वो बंद करा दी गई है। ताजमहल के दूसरी ओर यमुना नदी के उस पार मेहताब बाग है, जहाँ से ताजमहल को निहार सकते हैं। कहते हैं शाहजहां यहाँ पर अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले उसके बड़े बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया और लाल किले के कारागार में डाल दिया। शाहजहां की विनती पर उसे एक ऐसे कमरे में रखा जहां से वो ताजमहल को निहार सकता था। पूर्णिमा की रात के दूधिया प्रकाश में ताजमहल और भी खूबसूरत लगता है। आप टिकट लेकर इसे निहार सकते हैं। ताजमहल प्रत्येक वर्ष 20 से 40 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है, जिसमें से 2 लाख से अधिक विदेशी होते हैं। अधिकतर पर्यटक यहाँ अक्टूबर, नवंबर और फरवरी के महीनों में आते हैं। इस स्मारक के आसपास प्रदूषण फैलाने वाले वाहन प्रतिबंधित हैं। पर्यटक पार्किंग से या तो पैदल जा सकते हैं या विद्युत चलित बस सेवा द्वारा भी जा सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि इस अजीज प्रेम की निशानी ताजमहल के बारे में ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और अधिक वीडियोस हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही स्क्रीन पर बने बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।